नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है केंतो, जिसे लिखा है नीलिमा झा जी ने, और ये कहानी एनसीईआरटी की नई नई कहानियां किताब से ली गई है। मिली नाक भौं चढ़ाए बैठी थी। पता नहीं क्यों मम्मी मुझे अरुणाचल के इस गांव में घसीट लाई है। यहाँ आखिर है क्या? कुछ भी तो नहीं, वह गुस्से में बड़बड़ाई। चलो मिली, जीप से उतरो, केन तो हमारी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी मम्मी ने कहा। अपना छोटा सा पॉकेट ट्रांजिस्टर सीट पर ही छोड़कर मिली धीरे से नीचे उतरी। तुम हो केन तो? उसने रूखेपन से पूछा। केन तो धूल भरी धारीदार गाले यानी ब्लाउज और आधी लुंगी पहने एक पांव पर खड़ी थी और दूसरे पांव के अंगूठे से जमीन खुरच रही थी। उसने लजाते हुए मिली की ओर देखा और अपना सिर हिलाया तो उसके गले में पड़ी मनकों की लड़ियां बज उठी। मिली ने उसे घूर कर देखा और फिर कमर तक लंबे अपने बालों को झटकते हुए मुड़ी। मम्मी, यह तो बिल्कुल गवार है, मैं इससे क्या बात करूंगी, वह अंग्रेजी में फुसफुसाई। बस बहुत हुआ, उसकी मम्मी ने तीखे स्वर में कहा। केंतो, यह मिली है, उन्होंने आगे बढ़कर परिचय करवाया। केंतो अपनी मुंह और चपटी नाक पर हाथ रखकर करके हंसने लगी। एकदम मैनर्स नहीं है इसे, मिली ने सोचा, फिर झुंझुलाकर पूछा, मम्मी हमें कितनी दूर पैदल जाना होगा? इससे पहले कि उसकी मम्मी कुछ कह पाती, केंतो ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराती हुई बोली, चलो गांव बहुत दूर नहीं है। मिली ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके साथ बेमन से चलने लगी। सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर इस समय मैं अपनी सहेलियों के साथ होती। इस केंतो के साथ मैं क्या करूंगी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो हम गांव में पहुंच गए, मम्मी की आवाज आई। मिली ने देखा गांव पहाड़ के एक छोर पर बसा हुआ था। चारों तरफ से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। जब और नजदीक पहुंची तो देखा गांव वाले एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। उनके चेहरों और बदन पर कोई सफेद चीज पोती हुई थी। ये क्या हो रहा है, मिली ने उत्सुक स्वर से केंतो से पूछा, फिर झेप गई। आज मोपिन का त्योहार है, इसमें हम एक दूसरे को चावल के आटे का घोल लगाते हैं, केंतो ने हंसते हुए बताया। यह तो एकदम होली की तरह है, मिली सोच रही थी। तभी अचानक केंतो चावल का वही घोल उसे लगाने लगी। मिली ने अपना चेहरा ढकने का प्रयास किया लेकिन बेकार। मिली चिढ़ गई, उसने शिकायत भरी नजरों से अपनी मम्मी को देखा, पर देखते ही मम्मी हंस दी। चावल के घोल से पुता उसका चेहरा भी अनोखा लग रहा था। मिली ने ढोल की आवाज सुनी, उसने देखा लड़कियां और औरतें एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नाच गा रही थी। चलो हम भी नाचे, केंतो ने उछलते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे नाचना ही नहीं आता, मिली घबराकर बोली, पर कुछ औरतें उसे खींच ले गईं। मिली ने नाच की लय से अपने कदम मिलाने चाहे, पर कभी उसके पैर कहीं पड़ते तो कभी कहीं। गांव वाले हंस रहे थे और उनकी प्यार भरी नजरें मानो कह रही थी, अरे तुम नाचना भी नहीं जानती। मिली को बहुत बुरा लगा, मैं इन्हें गवार समझ रही थी, पर इनकी नजरों में तो मैं ही गवार हूँ, उसने सोचा। नृत्य रुकने पर मिली की मम्मी ने कहा, केंतो मिली को आसपास की जगह दिखाओ, तब तक मैं गांव वालों से बात करती हूँ। केंतो का गोल चेहरा और छोटी छोटी अधर खुली आंखें चमक उठी। काकेन यहाँ आओ, उसने एक लड़के को बुलाया और जल्दी जल्दी उसे कुछ कहा जिसे मिली समझ न सकी। वह लड़का दौड़ कर गया और कुछ देर बाद बांस की एक टोकरी लिए लौटा जिसमें तीर और धनुष रखे थे।
चलो, कहते हुए केंतो ने उस टोकरी को पीठ पर लटका लिया। मिली साथ साथ चलने लगी। उसने देखा जमीन में गड़े लकड़ी के खंभों पर टिके हुए फूस के घर पहाड़ियों की अलग अलग सतहों पर बने हैं। इन घरों के नीचे खूंटों से बंधे जानवरों की आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी। केंतो, किसी ने पुकारा। मिली ने देखा एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चे को पीठ पर बांधे दाव से घास काट रही थी। कहाँ जा रही हो इस लड़की के साथ, उसने पूछा। फिर बिना रुके हाथ हिलाकर बोली, दूर मत जाना। हाँ ठीक है दादी, केंतो ने जवाब दिया। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों नदी के पास पहुंची। केंतो दौड़कर पानी में घुस गई और हाथ से पानी उछालने लगी। मिली का मन हुआ कि वह भी पानी में खेले, पर उसे डर लग रहा था। उसने देखा केंतो अपने तीर से पानी में निशाना लगा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो, मिली ने पूछा। उसने देखा केंतो ने तीर पानी में छोड़ दिया। पकड़ लिया, केंतो चिल्लाई। देखो, तुम्हारे लिए मैंने मछली का शिकार किया है। मिली आश्चर्य से देखती रही। केंतो खिलखिला रही थी। इसके साथ तो बड़ा मजा आ रहा है, मिली ने सोचा। तभी उसकी नजर पहाड़ों और जंगल पर घूम गई। केंतो, मैं जंगल भी देखना चाहती हूँ। नहीं, अब वापस चलते हैं, केंतो ने कुछ घबरा कर कहा। जब इतनी दूर आ गए हैं तो मैं जंगल देखे बिना नहीं जाऊंगी, मिली ने जिद की। लेकिन हम जंगल के अंदर तक नहीं जाएंगे, केंतो ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। ठीक है, मिली खुश हो गई। केंतो ने नदी किनारे वाला रास्ता पकड़ लिया। बाईं ओर घना जंगल था। मिली जंगल की सुंदरता को देखती केंतो के पीछे पीछे चल रही थी। पैरों के नीचे सूखे पत्तों और टहनियों की खरखराहट से पक्षी उड़ जाते। मिली को सब कुछ बहुत अच्छा नया नया लग रहा था। अचानक मिली ने देखा केंतो एकदम रुक गई है और इशारे से उसे चुप रहने को कह रही है। सुनो, केंतो ने दूर से आ रही एक आवाज की ओर मिली का ध्यान आकर्षित करते हुए धीरे से कहा। मिली का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या हो सकता है, उसने सोचा। जंगली सुअर है, केंतो की तेज आवाज आई। मिली ने देखा कि एक जानवर तेजी से दौड़ता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा था। मिली डर से चीखने लगी, भागो भागो, केंतो चिल्लाई और उसने मिली को एक तरफ धकेल दिया। मिली गिर पड़ी, वह हिल भी ना सकी। अब हम नहीं बच पाएंगे, उसने देखा कि केंतो जंगली सुअर के सामने तन कर खड़ी है और उस पर तीर का निशाना साध रही है। पर वह आगे ही बढ़ता आ रहा है, क्रोध से गुर्गुरा रहा है। मिली थर थर कांपने लगी। उसने चीखना चाहा पर आवाज जैसे गले में फंस गई थी। मिली ने तीर चलने की आवाज सुनी और साथ ही उस जानवर की कराह भी। उसने देखा कि सुअर घायल होने पर भी गुस्से से सिर उठाए केंतो पर झपटने की कोशिश कर रहा है। केंतो, केंतो, मिली जोर जोर से पुकार रही थी। केंतो तेजी से एक तरफ कुछ दूर हटकर अब भी तीर चलाए जा रही थी। एक तीर ठीक जानवर के माथे के बीचों बीच जा लगा। जंगली सुअर दम से जमीन पर गिर पड़ा। मिली भागो, कहते हुए केंतो ने मिली को खींचा और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। दोनों जब गांव पहुंची तो हांफ रही थी। मिली, क्या बात है, उसकी मम्मी ने घबरा कर पूछा। वह दोनों को बारी बारी देख रही थी। एक जंगली सुअर ने हम पर हमला कर दिया था, केंतो ने उसे मार दिया, सूखे होठों पर जीभ फिराती हुई मिली बोली। क्या, मम्मी, मिली की मम्मी ने कहा। मिली एक सांस में पूरी घटना बता गई। केंतो बहुत बहादुर है मम्मी, मिली ने कहा। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें इससे मिलवाना चाहती थी, मिली की मम्मी केंतो को प्यार करती हुई बोली। केंतो शर्मा गई। केंतो, मैं अपने शुरू के व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ, मिली झिझकते हुए बोली।
मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? मैं तो पहले से ही तुम्हारी दोस्त हूँ, कहकर केंटो मुस्कुराई। मैं अभी आई, कहती हुई मिली जीप की ओर दौड़ गई, वहां से अपना ट्रांजिस्टर लेकर लौटी, मेरी तरफ से छोटा सा उपहार, उसने कहा। यह तो बहुत प्यारा है, केंटो उछल पड़ी, फिर अपना हाथ मिली के हाथ में देते हुए कहा, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो। वह मुस्कुरा रही थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।